सांसद भी सवर्ण, विधायक भी सवर्ण। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। जिसे जनता से संवाद करना नहीं आता उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आगे वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज के वीडियो में हम सीधी जिले की टेढ़ी मेढ़ी राजनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। सीधी पिछड़ा और आदिवासी बाहुल्य इलाका है और विकास के नाम पर यहाँ जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आप सोचिए कि इस जिले से मध्य प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह, जो मानव संसाधन विकास मंत्री, वाणिज्य मंत्री जैसे मंत्रालयों को संभाल चुके हैं, वो सीधी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। सीधी का मिजाज समझना हो तो सम्राट चौराहे पर लगी इस मूर्ति को देखिए। ये मूर्ति है पृथ्वीराज चौहान की। जी हाँ, वही पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने दिल्ली पर लंबे समय तक शासन किया। तो इस मूर्ति को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि सीधी का मिजाज गर्म है और यहाँ की सियासत से धुआं निकलता रहता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सीधी की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जिसे जनता से संवाद करना ही नहीं आता। शुरुआत में हमने आपसे यह बात कही थी, असल में यह बात बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा पर बिल्कुल खरी उतरती है। जरा सुनिए डॉक्टर मिश्रा जनता से किस तरह संवाद कर रहे हैं। जब कभी आप अयोध्या जाएं, भगवान राम का दर्शन करें, तो आप भगवान राम की मूर्ति से आंखें ठीक से मिला सके। आपने ईवीएम का बटन दबाया है, कमल का बटन दबाया है और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब के कहने का मतलब है कि बीजेपी को वोट देकर एहसान चुकाओ जिसने राम मंदिर बनाया। ये तो डॉक्टर साहब ने हद कर दी। असल में डॉक्टर साहब अपनी पूरी जिंदगी मरीजों के बीच रहे हैं और उन्हें इतनी भी समझ नहीं कि राम मंदिर बनाने में बीजेपी का एहसान नहीं बल्कि भारत की जनता का एहसान। आप सोचिए कि जन चेतना नहीं होती तो आडवाणी जी कब का रथ लेकर अपने घर वापस चले गए होते। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब को राजनीति में इतना बड़ा जो ब्रेक मिला है, बीजेपी की उम्मीदवारी मिली है, उसके पीछे किसका हाथ है? 19 तारीख को एक और राष्ट्रीय पर्व है। उन्हें टिकट दिलाने के पीछे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का हाथ है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि रीवा, सीधी और सतना के कैंडिडेट डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की पसंद से चुने गए हैं, तो डॉक्टर साहब भी इसी हिसाब से चुने गए। और जब से वो चुने गए हैं तब से वो सड़क पर उतरकर जो मनाए वो बोल रहे हैं, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। तो डॉक्टर साहब के भीतर संवाद की जो कमी है उसको उनके बेटे अनूप मिश्रा, वो भी डॉक्टर हैं, पूरा कर देते हैं। पिता पुत्र दोनों डॉक्टर हैं तो सीधी जैसे पिछड़े इलाके में लोगों का रोज आना सामना होता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब स्कूलों का व्यवसाय भी करते हैं, सीधी में उनके स्कूल हैं, होटल के व्यवसाय में भी उनका परिवार है। तो कुल मिलाकर संसाधन के नाम पर यदि देखा जाए तो डॉक्टर साहब संपन्न हैं। मजबूरी में सीधी की मौजूदा विधायक रीति पाठक भी उनके साथ हैं। हालांकि वो भीतर से नहीं चाहती कि डॉक्टर राजेश मिश्रा जीतें या राजनीति में आगे बढ़ें, क्योंकि यदि डॉक्टर मिश्रा आगे बढ़ते हैं तो आगे रीति पाठक के लिए रास्ते बंद।
हाल ही में राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े नेताओं की रैलियां सीधी में हुई हैं। इन रैलियों में जो भीड़ थी उसने काफ़ी कुछ बयान किया है। जैसा सोचा गया था कि काफ़ी भीड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भीड़ बहुत सामान्य थी, बल्कि सामान्य से भी कम थी। तो इसका मतलब साफ है कि सीधी के लिए बीजेपी का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। अब बात करें कांग्रेस कैंडिडेट कमलेश्वर पटेल की। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था, इसलिए बार बार कमलेश्वर पटेल को उतारा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतार कर कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेला है। सीधी में ओबीसी एक बड़ी संख्या है और निर्णायक भी है। तो कमलेश्वर पटेल के मैदान में आने से बीजेपी थोड़ा असहज हुई है। उसे यह मालूम है कि पिछड़ा वर्ग उनके हाथ से जा सकता है। कमलेश्वर पटेल ने अपने चुनाव लड़ने का स्टाइल भी बदल दिया है। वे बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर रहे हैं, वे छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। मतलब पिछड़ा वर्ग तक पहुंचने की, पिछड़ा वर्ग के एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं। सीधी के पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समाज में एक चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है कि बीजेपी हमेशा सवर्ण कैंडिडेट देती आई है। सांसद भी सवर्ण, विधायक भी सवर्ण। ऐसे में एक संदेश बीजेपी के खिलाफ जरूर गया है कि बीजेपी सवर्णों को आगे बढ़ाती है, जबकि पिछड़ों के लिए आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये मैसेज जा रहा है और इस मैसेज का फ़ायदा मिलेगा कमलेश्वर पटेल को। और ये नाराजगी आपको वोटिंग के टाइम पर दिखेगी। इसके जवाब में बीजेपी कमलेश्वर पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। कमलेश्वर पटेल के भाई जिला पंचायत में उपाध्यक्ष हैं, उनके भाई की पत्नी जनपद अध्यक्ष हैं। तो बीजेपी इस बात को इस तरह से प्रचारित कर रही है कि कमलेश्वर पटेल परिवारवादी नेता हैं। हालांकि बीजेपी के इस प्रचार का सीधी में कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कमलेश्वर के प्रचार का असर पिछड़ा वर्ग में दिख रहा है। पिछड़े वर्ग ने यह मान लिया है कि बीजेपी पिछड़ों को पिछड़ा ही रखना चाहती। पिछड़ों के लिए किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी आज लड़ाई लड़ रहे हैं पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, कि जाति जनगणना कराई जाए। अब बात करें बीजेपी के बागी अजय प्रताप सिंह की। अजय प्रताप सिंह 40 साल तक बीजेपी की सेवा करते रहे, लेकिन जब अंत में बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया तो पार्टी छोड़कर गोंडवाना गणतंत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब आप जानते हैं। सीधी में गोंड समाज का अच्छा खासा प्रभाव है और अच्छी खासी जनसंख्या है। तो अजय प्रताप सिंह गोंड समाज और क्षत्रिय समाज के कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर चल रहे हैं। मतलब उनका मानना है कि गोंड समाज और क्षत्रिय समाज उन्हें वोट देगा। मतलब अजय प्रताप हर हाल में बीजेपी का नुकसान करने के लिए मैदान में उतरे। अब उन्हें कितने वोट मिलेंगे, क्या नतीजे होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनावी मैदान में उनकी मौजूदगी अपने आप में समीकरण पलटने के लिए काफ़ी है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि सीधी में लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन हार जीत का फैसला करने वाली है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। यदि अजय प्रताप सिंह ज़्यादा वोट खींचने में सफल रहे, मतलब यदि वो गोंड समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज को भी अपने साथ ले गए, तो यह बीजेपी के लिए बहुत खतरे की बात होगी। इस स्थिति में बीजेपी हार भी सकती है, और यदि उन्हें कम वोट मिलते हैं तो फिर बीजेपी के जीतने के चांस हैं। सीधी की सियासत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।